छोड़ देंगे, वही होने वाला है। उसके लिए आप ट्रेंड के साथ चलो और कुछ मत सोचना, क्योंकि उसके लिए, मेरा पोजीशन जो भी है, लॉन्ग शॉट जो भी है, बंद करके इंट्राडे कर लेता अभी आजकल, क्योंकि ये सिचुएशन में चांस बहुत कम थे कि आपको लॉन्ग में पैसा बने, शॉर्ट में पैसा बने, क्योंकि ये लॉन्ग को रख के भागने का ऊपर, क्योंकि अभी पता नहीं हमको किधर रेजिस्टेंस है, क्या है बोल, क्योंकि बैंक निफ्टी न्यू है कि नीचे का ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी कब खींचेगा, बैंक निफ्टी खींचेगा और निफ्टी खींचेगा पता नहीं, क्योंकि अभी देखो आज क्या हो रहा था, अभी देखो ये निफ्टी में, अभी देखो कि कौन सा छह स्टॉक, खाली छह स्टॉक जो है, ये छह स्टॉक है 100 पॉइंट का खींच रहे थे ऊपर, अब देखो 115 पॉइंट का मार्केट खींच रहे थे, अब एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसी बैंक, अरे यार ये थोड़ा ऑटोमेटिक शॉर्टिंग चलता है, अभी ये छह स्टॉक खाली मार्केट को ऊपर खींच लिया, और आज 140 पॉइंट का तेज में बस खाली ये छह स्टॉक का लेके तेज किया निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक को लेके तेज किया हम लोग 274 पॉइंट, ये बस तीन बैंक को लेके ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का तेजी किया, तो यही चल रहा है अभी मार्केट में, अभी ऐसा करके 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 अभी देखो रिलायंस इतना करेक्शन आने के बाद भी मार्केट निफ्टी में, निफ्टी को खड़ा कर दिया उतना ऊपर, अभी देखो इधर नॉर्मली ये करेक्शन आना मांगते हैं, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखो, अभी करेक्शन आना मांगते, तुरंत आना मांगते हैं ये गिरने के बाद, ये नहीं छोड़ रहे, अभी इतना जबरदस्त से ऊपर मार्केट को खड़ा करके रखा है, अभी कैश मार्केट भी देखो ये क्या करते हैं, आज भी पूरा 4,500 करोड़ का खरीदार किया, पूरा 55,000 करोड़ का कैश में खरीदार किया, अभी पूरा 10 महीने में इतना खरीदा नहीं किया, पूरा जो किया 10 महीने में, सॉरी 10 महीने में जो बेचा है तो उसका उतना अमाउंट ऊपर खरीदारी कर लिया, अभी एफएस का मामला है, अभी बहुत ज्यादा संभावना है कि दिसंबर में अच्छा सा करेक्शन आने का उम्मीद है, दिसंबर में नहीं, नहीं तो भी जनवरी में भी, क्योंकि छोड़ दिया ना अभी मार्केट को नीचे के लिए, छोड़ दिया इतना सा अटैक हो जाएगा बीयर्स के साथ, उसके लिए वो नहीं छोड़ रहे, अभी मार्केट पूरा धनाधन से गिर जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे ऐसा खींच के खींच के छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ऐसा मार्केट को छोड़ेंगे, बाद में नीचे लेके आएंगे, आप अच्छा, आपको सब लोग का अच्छा याद होगा कि क्या किया मार्केट में, अभी ये निफ्टी को देखो अभी इधर इतना चला, इतना चला, मार्केट को सेम पोजीशन में रखा था, इधर इधर भी गिरावट लेके ऊपर रखा था, ऐसा कंसोलिडेट किया था 1-2 महीने के लिए कंसोलिडेट किया था, बाद में सबको उम्मीद लेके आया मार्केट में, बाद में गिरा दिया था, ठीक है, अभी मार्केट को ऐसा उम्मीद लेके आके बाद में गिराने वाले हैं, अभी डोंट एक्सपेक्ट अभी तुरंत मार्केट गिरने वाले बोल के, ठीक है, पूरा साइकोलॉजी बता दिया आपको कैसा है बोल के, अभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स का भी देख लो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का भी क्या है, अभी थोड़ा 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग पोजीशन का प्रॉफिट बुक किया हम लोग, अभी पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया हम लोग और लॉन्ग कॉल ऑप्शन हेज करके रखा, सो उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। अभी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी अभी 68% में खड़ा किया, नीचे आने के चांस है, और पीसीआर देखो, पीसीआर इतना जबरदस्त ऊपर लेके गए 1.63 में, इतना सर पीसीआर में आप कभी भी नहीं देखा होगा, उतना सर बहुत रेयर था क्लोजिंग टाइम पे, एक्सपीरियड में बहुत एक दो बार बहुत सा हफ्ते के पहले था, अभी देखो 1.63 में, देखो इधर मंथली एक्सपायरी में इतना सा पहले था, अभी वीकली एक्सपायरी था ना, अभी वीकली एक्सपायरी से बिहेव करता है, 1.63 में खड़ा कर दिया, इतना सारा हाई क्या 1.64, 1.66 इतना पीक है, इसके ज्यादा जाने के तो मतलब ओवर बॉट है, बहुत ओवर बॉट है, पोजिशन में लॉन्ग रखा तो ये खतरनाक सिचुएशन है, अभी बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी में 1.39 आ गया, अभी पीसीआर बहुत ज्यादा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ठीक है चलता है 1.566 तक चलता है, बट निफ्टी में तो बहुत ओवर बॉट सिचुएशन है, अभी उसके बाद ये और ऊपर जाने का बहुत संभावना है, शायद गैप अप करके नीचे आ सकते हैं, करेक्शन वो छोटा मोटा आ सकते हैं, ज्यादा करेक्शन का उम्मीद मत रखना, ठीक है, अभी देखो अभी आज क्या है, कॉल ऑप्शन में सुबह बोल रहा था कॉल ऑप्शन का बेचने के लिए, वो ट्रिगर हो गया स्टॉप लॉस, जब ट्रिगर होता है ना स्टॉप लॉस, कभी भी आप कॉल पुट जोन में बेचते हैं, जब पुट ऑप्शन ट्रिगर होता है मतलब मार्केट नीचे आने वाला है, आपका एक्सेल डैशबोर्ड में क्लियरली आ जाएगा अभी समझ में, अभी देख लो अब आज एक्सेल में डैशबोर्ड देखो पूरा पुट ऑप्शन सेल था, अभी कभी भी ये 2-3 मिनट के लिए आता है बस खाली सेल, बाद में निकल जाता है, मतलब कभी भी मार्केट नीचे आने के लिए सोचते ना उस टाइम बस खाली ये आता है, 2 मिनट के लिए भी नहीं रहता है सेल सिग्नल कॉल ऑप्शन के लिए, पूरा दिन पुट ऑप्शन सेल था,
अभी देखो ऊपर पूरा इंडिकेटर जो भी है हमारा सब ग्रीन में आ गए थे, मीन्स एक भी रेड नहीं है, सब ग्रीन है। ठीक है, अब टॉप 10 ओपनर्स देखो सब 29,000 फुट था, टॉप ओपनर्स 29,000 फुट था, उसके बाद 29,500 फुट था, ये दोनों जबरदस्त ये शॉट चलाया था आज पूरा दिन, और पूरा कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया, सब जो भी शॉट किए थे कॉल ऑप्शन में सब शॉट कवरिंग किया था आज। और पुट ऑप्शन भी देख लो इधर पूरा 10 में 8 कॉन्ट्रैक्ट से पूरा ओपन इंटरेस्ट पूरा शॉर्ट था पुट ऑप्शन में, पूरा इतना पुट ऑप्शन बेचा आज, इतना सारा बेचा, मतलब पूरा 1.63 तक ले गया ना पीसीआर को। और ये 30 देखो 30,000 कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी पड़ा है, मतलब जब भी मार्केट नीचे आएगा ना इसको पता शॉर्ट करने का सोच, 30,000 कॉल को रख लेना, याद रख लेना, अभी 218 में ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट जब भी अभी मतलब कल के लिए आप कॉल को ट्रैक करके रख लेना उसको, अभी जब भी पीसी बीडब्ल्यूपी के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं ना ये 30,000 कॉल, उस टाइम शॉर्ट करने का सोच लेना, ये हफ्ते के लिए शायद हो सकता है जीरो में आ जाए, नहीं तो ये 30,000 कॉल वाले पूरा स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ये गया 30,500 निकल जाएगा, सो मतलब संभाल के शॉर्ट करने का, कॉल को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि मैं जैसा बोल रहा ना एफआई वाले ने पूरा 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, आपको पोजीशन में कॉल शॉर्ट नहीं करने का याद रख लेना, अब हेज करके करना पड़ेगा, हेज करने के लिए बैंक में बहुत महंगा हो जाता है, आपको बस जो भी करने का अगले मंथ एंड के दिसंबर मंथ एंड के एक्सपायरी में काम कर सकते हैं पोजीशन के लिए, इंट्राडे के लिए 30,000 कॉल को ट्रैक करके रख लेना, इतने ये लोग पूरा जब स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते थे ना 30,000 कॉल सीधा मार्केट तो 500 पॉइंट ऊपर चढ़ के 30,500 निकल जाएगा ऊपर, और पुट ऑप्शन में अभी 29,000 पुट ऑप्शन का तो अभी निकल गया, जूस निकल गया, अभी 29,500 का जाएगा मार्केट, बट ये ऑप्शन पेन जो है ना ऑप्शन पेन 29,200 में कटा है, वही थोड़ा शक आ रहा है अभी क्या होने वाला अभी मार्केट, क्योंकि तकरीबन 500-600 पॉइंट ऊपर है पेन के ऊपर, उतना सा न्यू होने का गैप कमती होने का चांस है कल। और लक्ष्मण ट्रे का देखो कल नेगेटिव था वीकली मिड पॉइंट के ऊपर, अभी प्लस में आ गया, बुलिश हो गया, अभी अभी ये 29,176 है ये स्टॉप लॉस आएगा फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी के लिए, और 12,860 है निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस आएगा, ये तो मूव नहीं होगा, ये स्टैटिक फिगर है, ये कुछ चेंज नहीं होगा, आप बस इसको याद रखे, इसके नीचे जब जाते हैं उस टाइम ही आपको बेरिश होना मांगते हैं, आपको अच्छा टाइम मिलेगा उस टाइम ही शॉर्ट करने का सोचने का, अभी पुट खरीदना भी फायदा नहीं है, आपको कॉल बेचा तो थोड़ा मोटा लॉस हो सकता है, आपको बेरिश मेंटेलिटी है तो आपको शॉर्ट करो कॉल ऑप्शन, उसमें उतना नुकसान नहीं होगा दूर में, मतलब आपको 13,050 ऐसा कॉल ऑप्शन 90 रुपये मिलता है, शॉर्ट किया तो मतलब 10-20 रुपया का नुकसान होगा, आपका व्यू गलत हो तो भी, आपको 13,000 पुट खरीदा तो 40 रुपीज का मिलता है, आपको नुकसान आ जाएगा, उसको चांस कमती है, अभी मार्केट गिरता है तुरंत देन कॉल ऑप्शन जो बेचा आपने उसको तो फायदा आ सकता है, अभी शॉर्ट मेंटेलिटी में आपको बस कॉल ऑप्शन बेचने का सोच सकते हैं, पुट ऑप्शन मत खरीदना। दूसरा एक चीज है आपको बेरिश के लिए, एक जो लोग बेरिश है उसके लिए एक अच्छा खबर ही हो सकता है, ये आपको ये थर्सडे जो है रेवती नक्षत्र नक्षत्र आता है, जब भी रेवती नक्षत्र में पहले कभी भी निफ्टी में इतना करेक्शन आ रहा था 200-300 पॉइंट को तो करेक्शन आ रहा था, इतना दिन में देखो नक्षत्र में 68% का चांस है नेगेटिव जाने के और पॉजिटिव का 30% चांस है रेवती नक्षत्र में, ठीक है, वो एक चांस है कि आपको जो पॉजिटिव मैं इधर लिखा योगा और तिथि के बेस में, आपको शायद चांस है कि आपको थर्सडे में एक गिरावट आ सकता है, थोड़ा मोटा मीन्स ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोटा आ सकता है गिरावट, उस टाइम पे थोड़ा यू सोच सकते हैं, क्योंकि क्या है कि 1 बजे तक तरह खींच रहे हैं उन लोग, 1 बजे तक खींच के बाद में कुछ करेक्शन लेके आएंगे, सो दैट अभी क्या जो भी पोजीशन रखा पोजीशन ऑप्शन में रख फ्यूचर में रखा उन लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे, अभी दो दो घंटा बस बाकी है वो सोच के सब सब बंद करेंगे पोजीशन को, उसके बाद थोड़ा छोटा करेक्शन आ सकता है थर्सडे में शायद, यही उम्मीद है मेरा अभी, अभी पॉइंट चार्ट में भी देख लो अभी कोई स्विंग नहीं आया, अभी तकरीबन एटलीस्ट 12,900 के नीचे 800 के नीचे जब आता है उस टाइम ही थोड़ा सोच सकते हैं नेगेटिव के लिए बैंक निफ्टी में, अभी बैंक निफ्टी में 29,000 एटलीस्ट 29,000 नीचे जब आएगा उस टाइम ही सोच सकते हैं
करेक्शन के लिए बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकता है। और कल के लिए लेवल्स है 30,000 लेवल है, 30,000 लॉन्ग ब्रेकआउट है और 29,382 29,400 है, बस 600 पॉइंट से गैप है। तो आज आज देखा तो अभी क्या दूसरा भी था ना आपको एक दिखाने का, आज देखो पूरा ब्रेकआउट कैसे किया था। सुबह 15 मिनट में 230 पॉइंट्स का रेंज क्रिएट किया था, उसके बाद क्लोज किया था 632 पॉइंट्स का रेंज में। अभी पूरा दिन ऐसा हाई तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के ऊपर जा रहा था। कल क्या किया था, रेंज 4,11,15 तक हाई ब्रेक किया था, बाद में रेंज को तोड़ा नहीं है, और निफ्टी में लो तोड़ा बाद में हाई तोड़ा था कल। अब देखो आज पूरा दिन हाई तोड़ के जा रहा था, सुबह 47 पॉइंट्स का रेंज क्रिएट किया, बाद में उसके बाद 117 पॉइंट्स का रेंज क्रिएट करके ऊपर जा रहा था निफ्टी ने। ये तो अच्छा इंडिकेशन, आप ट्रैक कर सकते हैं। आप ये जो हाई ब्रेक करता है, मतलब आपको हाई ब्रेक करता है 11 बजे हाई ब्रेक करता है, उसके बाद थोड़ा ठंडा रखता है, उसके बाद 1 बजे 2 बजे तक दूसरा ट्रेंड चालू कर देते हैं। ओके, ये एक था दूसरा पॉइंट है, लक्ष्मण ट्रैक का बोल दिया मैंने, और लेवल्स बोल देते हैं। अभी निफ्टी के लिए 13,125 तकरीबन अभी उस टाइम लॉन्ग ब्रेकआउट है, और इधर 13,000 का शॉर्ट ब्रेकआउट है। सो 13,000 का जो पुट ऑप्शन है 40 रुपीज में चल रहा है, वो आज कल तो चांस कम लग रहा है, शायद वो मिला तो अच्छा है सेकंड हाफ में, क्योंकि अभी जब भी मार्केट गिरने वाला तो फर्स्ट गैप अप लेके बाद में नीचे गिरे वाला है, कभी भी गैप डाउन करके नीचे ऐसे नहीं लेके जाएंगे, बहुत रेयर में होता है। अब एफआई के पोजीशन देखा, पूरा लोग ने पूरा बुलिश ये देख लिया। अभी पी रेशियो भी देख लो, गया 35 के ऊपर निकल गया, अभी भाग रहा है। और बैंक निफ्टी का भी 229 पी रेशियो में चल रहा है। अभी लॉन्ग का कोई कोई मीन्स रिस्क ज्यादा है लॉन्ग के लिए, आपका म्यूचुअल फंड कुछ है तो आपको थोड़ा थोड़ा बाहर आने का अच्छा टाइम है अभी। अभी कैश में रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश में रखना भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है। ओके, आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी चलता है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जब करेक्शन आएगा उस टाइम आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया, अभी चार्ट देख लेते थोड़ा। अभी चार्ट में देखा तो अभी बुलिंगर बैंड का मेन थिंग है, बुलिंगर बैंड में नीचे टंडा करके अभी वापस से चालू कर रहे हैं हम लोग अभी। और बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी भी सेम है, वो नीचे करके टंडा कर रहे हैं अभी। ये मेन कैंडल जो है जो हाई क्रिएट किया था उसके ऊपर चलता है, अगेन वापस चालू हो जाएगा ऊपर का मूवमेंट। और फ्राइडे हाई ईएमए लो ईएमए देखो, उधर भी अभी बुलिश आ गया, अभी पूरा अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अभी ऊपर आ गया। अभी जब नीचे आते हैं इसके नीचे, फ्राइडे लो ईएमए के नीचे आता है उस टाइम ही ये वीकनेस आएगा। अभी कंक्लूजन में भी देखो, कंक्लूजन में पूरा बुलिश है, अभी एक भी इंडिकेटर जो है टेक्निकल है टेक्निकली जो भी वो न्यूट्रल भी नहीं दिखा था, सब बुलिश में पड़ा है अभी, अभी एक भी बेरिश नहीं है। आपको ये देख के एटलीस्ट आपको ये बेरिश माइंडसेट को निकालना पड़ेगा टेम्पररीली। अभी लॉन्ग में फायदा नहीं है, शॉर्ट में फायदा नहीं आ सकता है, लॉन्ग में टेम्पररीली आ सकता है। अभी एक दिन खींच रहे ऊपर जा रहा है, अभी शायद बैंक निफ्टी को भी न्यू हाई लेके आएंगे, उस टाइम ही कुछ होगा शायद। अभी बैंक निफ्टी ऊपर आ गया तो बहुत खतरनाक होगा सिचुएशन अभी। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, देखो कि क्या होगा हालत। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, अभी जो ये ट्रेंड लाइन जो है उसको भी काट के ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी न्यू हाई आ गया तो देन उसके ऊपर बहुत खतरनाक ये तेजी आ जाएगी, उधर कैसा लेके जाएंगे पता नहीं है। अभी अभी देखो, अभी ये चल रहा है, अभी इसके ऊपर गए तो मतलब सीधा 40,000 के ऊपर चल रहा है एक्चुअली। अभी उतना तो जाने के बहुत चांस कम थी है, मतलब ये खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा। अभी एचडीएफसी बैंक खाली लेके कैसा ले, पहले येस बैंक था, इंडसइंड बैंक था, स्टेट बैंक था, इसका सब बैंक का वीकनेस को लेके बस खाली ये एचडीएफसी बैंक भाग रहा है एक्चुअली। एचडीएफसी बैंक इतना भाग सकता है समझा नहीं एक्चुअली। अभी एचडीएफसी बैंक भी देख लो कि क्या है, अभी ये टारगेट तो आ रहा है 1,600 का आता है एक्चुअली, अभी उतना तक जाएगा पता नहीं, अभी बहुत वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अभी बहुत खतरनाक रूप में चल रहा है अभी। अभी देखो इधर से एक ही मतलब इधर लो जो बनाया, अभी कब बनाया था हमको, हमें मार्च में बनाया था करेक्ट, अभी 9 महीने में डबल हो गया। अभी मतलब ये ब्लू चिप स्टॉक अभी डबल हो गया, मतलब थोड़ा ज्यादा है लार्ज कैप स्टॉक के लिए। ओके, और दूसरा है आज का इंट्राडे भी देख लेते हैं, इंट्राडे भी में क्या है पूरा देखो। आज एक बड़ा इसमें व्यू में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में
ये थोड़ा करेक्शन है, आप रेड में देख सकते हैं बार, अभी रेड ब्लू जो भी है ग्रीन है, आपको बस खाली जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब आता है उस टाइम आपको रेड दिखेगा ये। अब थोड़ा रेड आया था 2-3 मिनट, मतलब 5 मिनट के लिए बस खाली, बाद में ऊपर चढ़ गया, बाद में 2-3 मिनट के लिए आता है, बाद में चढ़ गया तुरंत ऊपर चढ़ गया। अभी जब भी क्लाउड के ऊपर आता है ना, आपको बस बुलिश रहना होगा, एक क्लाउड 2 मिनट का पावर ऑफ 2 में कैंडल है। अभी देखो पावर ऑफ 2 में 200 मिगिन लिए इधर है, 20 मिगिन लिए इधर है, आपको बस ये नीचे आता है इसके नीचे, उस टाइम ही आपको शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं, उस टाइम तक आपको शॉर्ट पुट बेच के जाना बेटर है। एक्चुअली आपको क्या है, पुट ऑप्शन पेन जो है बहुत इधर आ रहा है, 20,200 इधर तक आज बाजू आ रहा है, आपको 30,000 कॉल को बेचने के लिए ऑप्शन रखिए। जब बीडब्ल्यू, जब मैं बोलता हूँ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो है बेचने के लिए बोलता हूँ मैं, आप याद रख लिए, बीडब्ल्यूपी के नीचे जाता है ना सेशन करता है, और पूरा इंडिकेटर जो है आपका पीसीआर एक के नीचे जाता है, और वीकनेस आता है आपको इधर ये मिगनली के नीचे आता है, उस टाइम आपको इंडिकेशन लेके आपको बेचने का, ऐसा ब्लाइंडली मत बेचने का, ठीक है, याद रख लें। और निफ्टी भी देख लो आज क्या हो रहा था, इधर थोड़ा दिन के थोड़ा देर के लिए आ रहा था नीचे, क्लाउड के अंदर था, कंसोलिडेशन कर रहा था, बाद में क्लाउड के बाहर गए। जब भी क्लाउड के बाहर जब जाता है ना, आपको बुलिशनेस से निकल, ऐसे बेरिशनेस से निकल जाने का, आपको बुलिश के लिए सोचने का। अभी ये क्लाउड का जो नीचे जो है स्ट्राइक प्राइस है, आपको वो बेचने का सोच सकते हैं। अभी जब इधर आता है ऊपर निकल गया, अभी आपको मिगिनली 20 के ऊपर निकल गया, आपको ये 13,000 का पुट ऑप्शन बेच सकते हैं ऐसा, ठीक है। आप क्लाउड का सपोर्ट लेके ये स्ट्राइक प्राइस में जो भी है स्ट्राइक प्राइस का वो पुट ऑप्शन सोच सकते हैं। सिमिलरली आपको जब नीचे आता है तो ऊपर क्लाउड का जो है वो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचने का सोच सकते हैं। अभी देखो बैंक निफ्टी का भी सेम तरीके से कर सकते हैं, इधर क्या 29,500 का पुट ऑप्शन, अभी जब क्लाउड के ऊपर जाता है, ये क्लाउड का जो बॉटम है ना, बॉटम का स्ट्राइक प्राइस है वो पुट ऑप्शन बेचने का सोच सकते हैं। ये ऐसे एक स्ट्रेटजी भी आप अर्ली कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है ये बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, ये एफएलडी का, एफएलडी का क्या है सपोर्ट ये लेके जा रहा है। अभी ये देखो इधर शायद इधर तक आएगा, बाद में वीकनेस आएगा इधर, बाद में उसके बाद आएगा। अभी जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है इधर कड़ा है, 24,000 में कड़ा है, अगला बड़ा बार इधर आता है 28,781 का। अभी इसके नीचे जब नहीं आता ना, 28,700 का नीचे नहीं जब नहीं आता है, फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा इधर। सो ये याद रख लें कि ये प्राइस नीचे आना मांगे, इसको ऊपर तो वॉल्यूम डेवलप नहीं हो रहा, अभी अभी चलते चलते डेवलप हो रहा है। ये ऑप्शन पेन को बहुत क्लोजली ट्रैक करना, ऑप्शन पेन को दिखा रहा है कि मतलब ये चांस कमती लग रहा है अभी और खींचने के कल के लिए, कल थोड़ा कंसल्ट करेंगे, वोलेटाइल होने का संभावना ज्यादा है, 29,500 तक आ सकते हैं, शायद कल 30,000 तक जाके शायद नीचे आएंगे 29,500 का, वो भी एक चांस है, 29,500 का टच करेंगे कल। और निफ्टी के भी देख लेते हैं, निफ्टी में पॉइंट ऑफ कंट्रोल का इधर है अभी लाउ तो 860 है, दिसंबर में बहुत चांस लग रहा है एक्चुअली आने का, अभी ये गैप फिलअप करेगा, ये गैप फिलअप करेगा, इतना सारा गैप करके जा रहा है मार्केट में ऊपर, लेकिन आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। आपको पेशेंस नहीं तो मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। आपको बेयरिश मेंटेलिटी, मैं अगेन बोलता हूँ, मैंने पुट खरीदने के बदले में कॉल बेच लो, चाहे तो मतलब 10-20 का नुकसान हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो पुट खरीदा तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। और कुछ नहीं, क्योंकि पुट बेचा तो भी स्टॉप लॉस बहुत कंपलसरी रखने का, बिना पुट लॉस स्टॉप लॉस आपको बेचने का नहीं है, पुट ऑप्शन को और कॉल ऑप्शन दोनों को स्टॉप लॉस के बिना बेचते हैं बहुत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका फायदा तो 30-40 पॉइंट होगा और नुकसान तो 100-200 पॉइंट का भी हो जाएगा, ठीक है, वो याद रख लें। और दूसरा एक अजीब सा आज एक सिचुएशन हुआ था कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आज देखो हाई प्राइस था और लास्ट प्राइस जो लास्ट मिनट तक खींचा था बुल्स ने, इतना खींचा लास्ट मिनट तक, एक पॉइंट भी नहीं आया, सेटलमेंट प्राइस तो कमती में आया था, सेटलमेंट प्राइस तो 29,729 में आया था, लेकिन ये लास्ट प्राइस तक खींचा था, मतलब बियर्स को तो पूरा स्क्वायर करने का था पोजीशन उन लोग को। अभी कल भी ऐसा होगा कि मतलब ऊपर खड़ा किया तो 29,500 के ऊपर खड़ा किया तो ये क्लाइंट्स ने पूरा उनका पोजीशन शॉर्ट्स को क्लियर करेंगे, और थर्सडे में आखिरी दिन है एक्सपायरी का, उस टाइम पूरा का पूरा शॉर्ट स्क्वायर हो जाएंगे, शायद वही मेरा उम्मीद है, क्योंकि
उसके बाद शॉट्स को कैरी करने के लिए ज्यादा ताकत नहीं होगा क्लाइंट्स के लिए। उस टाइम सोचे कि इतना तो हो गया, जो हो गया, अभी मार्केट तो 14,000 जाने वाले हैं और बैंक निफ्टी 32,000-35,000 जाएगा सोच के हम लोग लॉन्ग जाएंगे। उस टाइम FIs का एक्चुअल उसका चेहरा देख पाएंगे हमने शायद दिसंबर में, दिसंबर का एक्सपायरी के लिए। ठीक है, वही है, अभी ज्यादा कुछ नहीं है बोलने का क्योंकि अभी पूरा बुल से और कुछ भी नहीं है मार्केट में सिचुएशन। इंट्राडे के लिए भी खेलने का पोजीशन में आप लॉन्ग शॉर्ट जो भी मत जाओ अभी ये सिचुएशन अभी, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट जाने के लिए अभी ताकत बहुत चाहिए और महंगा भी है। अभी विक्स भी आ गया ना, 21 तक आ गया, अभी विक्स 21 आ गया, अभी 21 में थोड़ा ज्यादा है, अभी एक्सपायरी भी 2 दिन है उसका खाली बचा है। आपको अगले हफ्ते का ऑप्शन लेके हेजिंग किया तो वो भी महंगा हो जाएगा, अभी 2 दिन के लिए भी हेजिंग किया तो महंगा हो जाएगा। आपको सिंपली इंट्राडे में खेलो अभी कुछ दिन के लिए, वही आपका बेटर है, टेंशन नहीं है, आराम से रात में सो सकते हैं। ठीक है, ये मेरे छोटा सजेशन है, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए आपके लिए। ओके, दूसरा भी पहले ये जो दिखा लेता हूँ आपको, ये 20 मूविंग एवरेज का भी देखो, निफ्टी में 5% का अभी गैप है, अभी 6% था ना पहले, 6.5% का, अभी 5% का गैप आ गया अभी। और भी कितना गैप है अभी, 13,000 का मतलब 600 पॉइंट का गैप खड़ा है अभी निफ्टी में, 600 पॉइंट का। अभी बैंक निफ्टी में देखो तो अभी 27,400 है और इधर 2,000 पॉइंट का आराम से गैप आ गया, अभी 2,000 पॉइंट का 8% का गैप है। ये भी शायद ये 2 दिन में फ्लिप तो नहीं होगा, शायद अगले हफ्ते एक्सपायरी के पहले कुछ हो जाएंगे, बट खतरनाक शायद 10 डे के लिए कुछ खतरनाक डाउन का सोच रहा हूँ मैंने, मतलब क्यों जैसा पिछले हफ्ते का जैसा डाउन आ सकता है, क्योंकि पूरा पुट जो बेच रहे हैं ना उन लोग सब वो बहुत चीप रेट में आ रहा है अभी, बहुत कम रेट में इतना सारा, क्योंकि ना अब PCR उसके लिए बोलते हैं कि 1.63 मतलब फुट धनाधन धनाधन बेच रहे हैं सब लोग, स्टॉप लॉस के बिना मत बेचना आप बेच रहे तो। ओके, क्योंकि अभी 1.63 का 1.7 भी लेकर जा सकते मैक्सिमम। ठीक है, कल गैप अप मिला तो आपको अच्छा ऑप्शन है निफ्टी में कॉल बेचने के लिए, शायद मेरा ये चांस है। मतलब देखो 13,050 का कॉल ऑप्शन देखो 90 में आ रहा है अभी, शायद आपको स्टॉप लॉस 25 पॉइंट 30 पॉइंट रख के आपको मसल पावर है तो बेच सकते, तो आप शायद निफ्टी का कॉल ऑप्शन 2 लॉट बस खाली ट्राई कर सकते हैं आप, एक थोड़ा अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि पुट खरीदने में तो थोड़ा मजा नहीं आएगा क्योंकि अभी ज्यादा मुनाफा मिल नहीं मिल सकता उसमें आपको शॉर्ट में, तो निफ्टी में शायद क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा आ गया अभी कॉल ऑप्शन बेचने का और उसमें ज्यादा मुनाफा का चांस ज्यादा है। 13,050 का कॉल ऑप्शन और 13,000 कॉल ऑप्शन, ये दोनों को थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं, जब VWAP के नीचे जाता है ना उस टाइम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं, ज्यादा उसके पहले ही मत करना शॉर्ट करने के लिए, हरी भरी में आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता उस टाइम। ठीक है ना, क्योंकि सब सुबह सुबह पूरा शॉर्ट, जब भी अभी अगेन तुरंत गैप मिला तो सब लोग शॉर्ट जो भी बचा है एक दो बचा है उन लोग भी स्क्वायर करना शुरू करेंगे, जो भी करेक्शन आएगा 11 बजे के बाद आ सकता है शायद, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।